नमस्कार रणवीर साहब। नमस्कार सर, फिर से स्वागत है दूसरे पार्ट में। नमस्कार। और पिछले वीडियो में आपने जो दो घोड़ियां बताई थी, बिल्कुल बिल्कुल, एक तो 23 साल की उम्र की गणगौर हो गई, हाँ सर, और एक 12 साल की चांदनी घोड़ी, चांदनी हो गई, हाँ सर। और पुराना कलेक्शन जो आपने रख रखा है, और पुराने कलेक्शन से तो आपको पता ही है हीरा ही निकलते हैं। बिल्कुल है, मेरे ख्याल से उनमें से एक आध ये भी होगी इनमें से। बिल्कुल है, दोनों ही है सर। दोनों ही है ना? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्या नाम दे रखा है इनको? एक तो ये इसके, ये केसर नाम है इसका सर, केसर। ये अच्छा। काले कांटे की है। अच्छा, काले कांटे की हो गई है ना? हाँ हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। और काले कांटे के फैन हो आप? यहाँ नजदीक में था तो फिर ले लिए दो थान। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। जब ये यहीं पे था तभी ब्रीडिंग हुई हुई है, मतलब है ना? रणसी गांव में। रणसी गांव में, हाँ। अच्छा, दो बच्चियां ली मैंने, एक बताई आपको वो सेल की जो, हाँ, उसके बाद में वापस दोबारा में ये। अच्छा अच्छा। और तीसरी बार में वो चंडीगढ़ लेके गए थे। अच्छा 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 अच्छा, मतलब एक ही बार गए पंजाब तो आप? हाँ, ये जब बच्चे आई थी, हाँ एक, बाकी दो तो आपके यहीं पे, दोनों ही बच्चियां आई थी यहीं पे हुई थी है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। और इसकी एज है आप 6.5 साल? 6.5 साल की है। हाँ। नाम क्या बताया इसका? केसर। केसर, हाँ। और दो बस आग में। रणवीर साहब, हाइट वाइज तो ठीक लग रही है इसकी? हाँ बढ़िया है सर, दोनों की अच्छी हाइट है, है ना? हाँ। इसकी हाइट बताओ पहले, ये बमरी ये 63 है सर। 63, हाँ हाँ, अच्छी हाइट है सर। बिल्कुल है सर। और 6 साल की हो गई? 6.5 साल की। 6.5 साल की पहले दिया था बच्चा उच्चा इसने कोई? हाँ, एक फर्स्ट इको जो को रिजल्ट है सरबा है बछेरी परमवंश की। अच्छा, परमवंश की बच्ची है? दो दांत हो गई सर। अच्छा, दो दांत है? हाँ ठीक है। दोबारा में दिया सर इन बच्चा परमवंश का। अच्छा, बच्चा भी दिया परमवंश का ही? हाँ, दोबारा दोबारा। तो वो बच्चा छूट गया मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, गर्दन सीधी करो। परमवंश का है ना? हाँ, दोनों परमवंश के थे। अच्छा, वो बच्चा छूट गया मतलब? हाँ। और इसकी जो बच्ची है वो? बच्ची अपने पास है, दो दांत हो गई। आपके पास में ही है ना? हाँ, दो दांत हो गई। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, घोड़ी में एटीट्यूड बहुत अच्छा है साहब इसमें तो। बहुत अच्छी घोड़ी है। अच्छा, अच्छी घोड़ी है। तो रणवीर साहब, यार शो इसमें उसमें नहीं लगाते हो शो में? ये तो शो कंपटीशन करने वाली घोड़ी है वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल है सर। हाँ बिल्कुल है सर। फिर आप शो में कभी दिखते नहीं हो घोड़ी वोड़ी लेके, यार क्या कारण है? शो में थोड़ा ऐसा माहौल है सर कि वहाँ जो जानवर फर्स्ट सेकंड जो थर्ड आते हैं ना सर, हाँ, वो फिक्स करते हैं पहले से ही। अच्छा, पहले से फिक्स होते हैं? हाँ, बाकी वाले तो घर का पैसा खर्च करके और वापस घर आ जाओ, नींद ले वो सो। ये चीज है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने यार रणवीर साहब। नहीं देख रहे हैं हम तो। बिल्कुल साहब, सही बात है। सब शो देख रहा हूँ अभी, जोधपुर का शो देखा, सब वो फिक्स घोड़े हैं जो वही आते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर ये पैसे में बर्बादी करने में क्या फायदा? देखो, शो के बारे में तो सब आजकल यही बोलते हैं साहब। हाँ, हम भी जब लाइव करते हैं, हाँ, तो नीचे कमेंट आते रहते हैं कि फर्स्ट नंबर पे ये घोड़ा आएगा, सेकंड पे ये आएगा, थर्ड पे ये आएगा। वो उनको सबको नॉलेज है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। कि ऑस्ट्रेलियन में कौन से घोड़े आते हैं वो फिक्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है साहब। तो फिर हम बर्बाद क्यों होंगे साहब? बिल्कुल, देखो आम किसान का तो, आम किसान तो बर्बाद ही हो रहा है साहब। बिल्कुल। और उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा है। अब हर शो में आप लेके जाओ लाख हजार, लाख एक लाख या 50,000, 1,50,000 रुपए खर्च होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और ये जो 12 महीना सर्दी का ये मौसम है उनमें तो 100 लगते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सर इतने 8-10 लाख रुपए कहाँ से लावे? सही बात है, सही बात है। आम आदमी की पहुंच के बाहर है मामला ही। तो रणवीर साहब, ऐसा क्या होना चाहिए? एक तो देखो शो में, सही बात है आपकी, जहाँ भी देखो वही घोड़े फर्स्ट आते हैं। सरुण जी, मेरा मानना है कि मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो एक बार या दो बार जो भी कोई शो में जानवर जीत गया, बिल्कुल, उनके बाद में नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये होना चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए भाई, एक दो छोड़ो, तीन शो मान लो आप तो। हाँ भाई, तीन शो, कोई से भी इंडिया के कोई से भी शो में 3 बार चैंपियन हो गया, हाँ, उसके बाद उसको मालिक को भी ये सोचना चाहिए, हाँ, कि भाई यार अपना घोड़ा चैंपियन हो गया, अब दूसरों का नंबर आने दिया जाए। हाँ बिल्कुल, अभी तो किसान प्रमोट होगा। आम आदमी का जानवर आप किसान अशुपालक लेके जाते हैं तो फिर उन्हें क्या मतलब मिलता है? बिल्कुल। और वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं साहब कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों को प्रमोट करते हैं। नहीं सर, कोई नहीं है। तो किस तरह प्रमोट करते हैं वो बता दे। बिल्कुल भाई, उसका जवाब तो देगा, हम इस तरह प्रमोट करते हैं। हाँ, वो भी होना चाहिए। देखो अपनी किसी से नाराजगी नहीं है, नहीं है ना, किसी शो ऑर्गेनाइजेशन से है, ना शो कराने वाले से, ना किसी घोड़े वाले से। बिल्कुल नहीं, अपन आप और मैं अपना विचार सिर्फ विमर्श कर रहे हैं। हाँ,
बस इस वीडियो में अपना विचार रख रहे हैं कि ऐसे तो मतलब अश्व पालक है नहीं सा बांको मनोबल टूट रही हो ऐसा। बिल्कुल साहब टूट रहा है, जैसे शो में जानवर जगह फिक्स हुए अरमान ने भी शो में नंबर आवे तो मैं जैसे सोचूं कि भाई मैं भी कोई शो में लेट जाऊं। बिल्कुल पहली मारे सामने ऑपरेशन खड़ो भेजा हुए। देखो एक तरफ तो लोगों का जो रुख है वो बढ़ रहा है शो की तरफ, हाँ, और जब शो होने के बाद उनका रुख है जो खत्म हो जाता है वो इस प्रकार से खत्म हो रहा है। बिल्कुल, जब मान के चलो आज एक शो होता है कोई भी मारवाड़ी का तो उसमें लगभग 20-25 घोड़े आते ही हैं एक, हाँ, रिंग में, हाँ, अब उसमें से 3-4 ही प्रश्न निकलते हैं। तो मतलब जैसे शो में कोई नहीं, जैसे अभी शो हुआ मतलब जोधपुर का हो गया, कोई सा भी शो कोई हो गया, कोई सा भी हो गया, तो 100 जानवर आए। बिल्कुल, और इस तरह के धीरे धीरे मतलब उनकी संख्या कम हो जाएगी। बिल्कुल होगी, तो फिर अपन शो ऑर्गेनाइज अपन कैसे करेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये भी तो है ना। देखो अगर ऐसे ही शो होते रहे, हाँ, या तो इन पे ऐसा होना चाहिए कि भाई जो 3 बार चैंपियन हो गया उसको चौथी रिंग में अलाउ नहीं करे, बाकी सबने मौका मिले। बिल्कुल, सबको मौका मिलना चाहिए, हाँ। और वो मालिक को भी सोचना चाहिए कि यार अपना घोड़ा या घोड़ी 3 जगह चैंपियन हो गई, हाँ, अब उसमें अपन एक स्ट्रेलियन कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, सबके सब हो गया, उसमें ब्रूड मेड भी आ गए, 2 दांत भी है, 4 दांत भी हो गया और स्ट्रेलियन भी हो गया, हाँ, तो उनको अगर वो ऐसा सोच ले तो किसान, बाकी जो किसान है जो मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल सर, उनका फायदा हो जाए कुल मिला, सबने मौको मिले। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब मनोबल बढ़े सा जानवरों के प्रति, एक सोच बनेगा यार मैं भी तैयार करूं, वो सोचे मैं भी तैयार करूं। देखो अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल से काफी लोगों का शौक भी बढ़ेगा, और ज्यादा शो होंगे, हाँ, लोगों का और शौक बढ़ेगा, हाँ, ज्यादा शो हुए ज्यादा मतलब जैन मेला भी है तो मेला में भी थोड़ी रुचि बढ़े ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती है साहब, बिल्कुल। तो रणवीर साहब बहुत अच्छे विचार है आपके, और मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा होना चाहिए कुल मिला, बिल्कुल करना चाहिए। तो शो का मतलब आपका तो मनोबल ऐसे टूटा हुआ है। नहीं मैं शुरू ही नहीं लेगा। अच्छा शुरू से आप तो, हाँ, नहीं लेगा, और भविष्य में ले जाऊं भी कोनी। अच्छा अच्छा, कि मन मतलब मैं खाली है कि मारो विचार रखी हूँ। बिल्कुल नहीं, सही, आम आदमी ने मौको मिलना चाहिए। बिल्कुल, और मतलब अच्छा अच्छा जानवर मतलब किसान तैयार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां को भी तो मनोबल बढ़े। बिल्कुल बढ़नी चाहिए साहब, किसानों के साथ अगर आप, नहीं कि भाई दुनिया में जगह पे घोड़ा मेन जगह सोच जीत रिया है बेबी है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सुंदरता की हजारों घोड़ा है, घनी कमी को नहीं सा। बिल्कुल साहब, और मेहनत बेचारा करता ही है किसान, साल भर मेहनत करता ही है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब कर रहे थे, सब कर रहे साहब। चलो साहब जैसे ही, अब अपन तो क्या कर सकते हैं, खाली इनको एक मैसेज ही दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, तो इनकी एक मीटिंग हो भाई, इस फैसले पे अमल किया जाए। हाँ अमल किया जाए ताकि सभी का फायदा है। हाँ उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि रणवीर साहब आपका और मेरा फायदा है, क्या भाई मैं मेरे चैनल की जगह, सब बड़ा बड़ा लोग है, ब्रीडर है, सब लोगों ने मतलब आप रिक्वेस्ट करा। बिल्कुल भाई आप इस चीज पर विचार अमल करो, अमल करो, कुल अमल करो, आप करो। मीटिंग करवाओ गुजरात को, पंजाब को, हर जगह को एक और नियम कराओ, इस चीज पर आप गौर करो। बिल्कुल सही, और मैं लोग भी कर सके, आपा का तो है कहीं। बिल्कुल सही है, आपा तो क्या कर सकते हैं, आपा तो नहीं कर सकते, उनके पास तो पावर है बस। बिल्कुल, या एक शो में ऐसा हो जाए, कोई सा भी शो, प्राइवेट शो मान लो, हाँ, कि भाई जो 3 बार चैंपियन है, हाँ, बस उसको अलाउ नहीं करेंगे इस रिंग में। बिल्कुल, तो वो सभी जगह लागू हो जाएगा, धीरे धीरे सब जगह लागू हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा, हाँ, और सबके अच्छी ये सोच भी अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग इसको मानेंगे, फॉलो करेंगे। बिल्कुल मानेंगे रणवीर साहब, बिल्कुल। चलो हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, और मैं मेरे चैनल के माध्यम से अब इसी पे फोकस करूंगा। बिल्कुल सर, तो कोई किसी के कान में तो जू रहेंगेगी। नहीं जरूर जरूर सर, अच्छा हुए तो सबके वास्ते फायदा है सर। बाकी अपन बाकी नहीं, बाकी मैं बताऊं आपने, जानवरों में धीरे धीरे रुझान कम हो रही है। बिल्कुल हो रहा है साहब, मतलब मैं तो आज बात बताई हूँ। नहीं बिल्कुल, बाकी आप देख जो हर शो में जटे जानवर जगह आ रही है, अभी संख्या कम हुई, कम हो सी, कम रही सर। बिल्कुल, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कम होगा साहब। बिल्कुल कम रही सर, क्योंकि घोड़े, चाहे घोड़े मान लो चाहे घोड़िया मान लो, तो पहले से ही जो फर्स्ट विनर बन चुके हैं वही आ रहे हैं। मतलब एक बात है सरवण जी, जो शो में यदि जानवर ले जा रहा है, कोई किसान है, बड़ा ब्रीडर है, कोई भी, बिल्कुल वो शो में पार्टिसिपेट के लिए तो लेके जा रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, और फिर वो 10 बार गया 20 बार गया, कोई लेना देना नहीं है, तो फिर साहब इतना खर्चा करके कौन जाएगा, कौन जाएगा, सही। तो उसमें शो की रेपुटेशन कम होगी। बिल्कुल, जानवरों की संख्या कम होगी। देखो घोड़े अगर वहां नहीं जाएंगे तो रेपुटेशन खराब ही होंगी, तो शो कराने में अपन को क्या फायदा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई फायदा नहीं। चलिए अब जो भी है चलता रहेगा ऐसे ही। बिल्कुल, और अमल होना चाहिए कुल मिला, जरूर वैनों सही जैसा। बाकी रणवीर साहब की ये घोड़ी बहुत अच्छी है, हाँ, शो कंपटीशन जीतने वाली है, अच्छी हाइट की है। बिल्कुल, और 6 साल की इसकी उम्र हो गई, लेकिन इसकी बॉडी आपने बड़ी मेंटेन कर रखी है अभी भी। हाँ सर, हाँ बिल्कुल। अच्छा अभी वापस ये किसी से ऊपर है घोड़े से? नहीं अभी कंसीव नहीं है सर, अभी खाली है, बस अब शुरुआत है, अब करवाएंगे। एक पैर पीछे का व्हाइट हो गया, माथे पे ब्लेज हो गया। हाँ पूरा ब्लेज हो गया। अच्छा रजिस्टर्ड है ये घोड़ी अपने? बस ये मारवाड़ सोसाइटी से ही।
मारवाड़ सोसाइटी से। हाँ, वो पहले जो गणगौर आई थी वो भी मारवाड़ सोसाइटी से। ठीक है, चांदनी भी मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी से और ये भी मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी। अच्छा, डीएनए टाइप हो गया इसका? बाकी है, बाकी है। हाँ ठीक है, अभी करवाया नहीं है। ये मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी में जो अभी जो राउंड पे रहता है ना सर, हाँ हाँ, तो अब अपना नंबर भी आएगा, देखें। चलो जो भी है, जब नंबर आए तब करवा लेना। हाँ, करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रणवीर साहब, एक गोड़ी और खड़ी है ये कुमेद में। कुमेद विजय लक्ष्मी नाम है इसका। विजय लक्ष्मी? हाँ। अच्छा, ये कितनी उम्र की है घोड़ी? ये कम से कम 5 साल की हो गई। पांच साल की है ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसने दिए थे बच्चे? बच्चे अपनी एक बच्ची दी सर। एक बच्ची है ना? हाँ। और कौन से घोड़े की हो गई है? परमहंस की। परमहंस की? हाँ। और ये काले कांटे की हो गई है ना? नहीं, ये घोड़ी काले कांटे की है। अच्छा अच्छा, ये घोड़ी? हाँ, 5 साल की उम्र है इसकी। ठीक है ठीक है। और इसने एक बच्ची दी है। एक बच्ची दी है ना? परमहंस की। परमहंस से? हाँ। नहीं, परम ये घोड़ी किसकी है फिर? ये काले कांटे की है। काले कांटे की, जो काला कांटा जब चंडीगढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वो गणगौर को ले गया। वो लास्ट चंडीगढ़ वाला बच्चा यही यही है मतलब? हाँ, यही काले कांटे। अच्छा अच्छा अच्छा। और परमहंस से ये एक बच्ची दी इसने? बच्ची दी इसने। अच्छा, वो बच्ची अभी है आपके पास में? हाँ अभी है। अभी है? अच्छा, अभी वापस क्या है इसका विचार आपका? बस अब कवरिंग करवानी है, अभी खाली है। अच्छा, ये भी खाली? हाँ, है ये भी कंसीव नहीं है। अभी कौन सा घोड़ा आप दिखाने की सोच रहे हो? अब 4-5 का बना रखा है तो कौन को फोन में थोड़ा वो हो जाए। अच्छा, जो परमहंस का जो बच्चा आया था, कैसा बच्चे आई थी इसकी? अच्छा आ रहे हैं सर रिजल्ट। अच्छा आए परमहंस का? हाँ, इनका अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी बच्ची अभी वो अच्छी आई। अच्छा, इसका बच्चा था वो भी अच्छा था। तो अभी 4-5 घोड़े डिसाइड कर रखे हैं मतलब? हाँ, तो 4 घोड़ियाँ हैं। अच्छा, तो 4 घोड़े डिसाइड कर लिए, तो उनमें से कोई कोई देखेंगे। सही है सही है। हाइट वगैरह क्या बताइए इसकी घोड़ी की, कुमेद की? इसकी हाँ, ये 63.5 है। 63.5 है ना? ओके ओके। ये सेम ही लग रही है हाइट में तो? ये थोड़ी बड़ी है। ये थोड़ी बड़ी है? हाँ। अच्छा अच्छा, ये 63 है, ये 63.5 है। ये 63.5 है। हाँ। और मार्किंग में तो इसके दो पैर है और? हाँ, दो है, हल्का सा बाल जवाब मान लो आप। अच्छा, आगे वाले में जवाब है? हाँ, केवल बाल है, सूम में नहीं है। अच्छा अच्छा, दोनों पैरों में है या एक में? एक में। एक में है? हाँ। ठीक है रणवीर साहब, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।